Hello guys, welcome back to Fit and Freeze Mind This Side, and today we will discuss about what is better, whey protein or mass gainer, and why. So without wasting any time, let's get started. दोनों के कंपैरिजन को कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम वे प्रोटीन को लेते हैं। वे प्रोटीन आपका एक मिल्क एक्सट्रैक्ट होता है। जब आप दूध में से पनीर अलग कर लेते हो तो जो बचा हुआ ग्रीन ग्रीन सा पार्ट होता है ना, वो वे होता है। कंपनी उसी को प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में करके बेचती है। अब गेनर क्या होता है? गेनर आपका होता है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का कॉम्बिनेशन, जिसमें प्रोटीन बहुत कम होता है और कार्ब्स और फैट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं दोनों के पर्पस के बारे में। वे प्रोटीन का पर्पस होता है आपको मिनिमम कैलोरीज में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन देना। एक स्कूप ऑफ प्रोटीन में आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ब्रांड्स। वहीं गेनर का पर्पस होता है आपको मैक्सिमम कैलोरीज देना कार्ब्स और फैट के थ्रू। तो अब दोनों की नीड की बात करते हैं, आपको क्यों चाहिए। तो सिर्फ प्रोटीन की बात करते हैं। जैसे आपको भूख लगती है मेहनत करने के बाद, सेम आपके मसल को भी भूख लगती है जिम में मेहनत करने के बाद, और उसकी भूख है प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की। जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल टीयर होता है, उस मसल टीयर को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब वो प्रोटीन आप चाहे डाइट से लो चाहे सप्लीमेंट से, इट डजंट मैटर। और अब गेनर की बात करें तो गेनर आपको हाई कैलोरी इनटेक प्रोवाइड करता है, कैलोरी सरप्लस में रहने में हेल्प करता है। बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग और वैल्यू फॉर मनी होने की। तो आपका 2-2.5 किलो वे प्रोटीन 4 से 5 हज़ार में आ जाएगा, अच्छी कंपनी का, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ब्रांड्स। और आपका गेनर 5-6 हज़ार में 5-6 किलो आ जाएगा, अगेन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ब्रांड्स। बट अगर वैल्यू फॉर मनी होने की बात करें तो वे प्रोटीन आपको बहुत कम कैलोरीज में बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑफर करता है, इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। वहीं गेनर आपको सिर्फ मेजरली कार्ब्स और फैट दे रहा है, और मे बी इतनी हाई कैलोरीज की वजह से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इंडियन डाइट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्ब्स और फैट के लिए, तो कहीं और इन्वेस्ट क्यों करना। तो मेरे हिसाब से गेनर एक वैल्यू फॉर मनी सप्लीमेंट नहीं है। तो अब प्रोटीन और कार्ब्स के अल्टरनेटिव की बात करते हैं। प्रोटीन के बहुत अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव है, सच है सोयाबीन, चिकन, स्प्राउट्स। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और कार्ब्स के अल्टरनेटिव की बात करें तो इंडियन डाइट में कार्ब्स ही कार्ब्स हैं। आपकी रोटी में कार्ब्स और फाइबर हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इतना कुछ है, पोटैटो है, तो आप उसको कंज्यूम करो। स्मूदीज बनाओ, शेक्स बनाओ, पीनट बटर ले आओ, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत कुछ है। तो गेनर पे इन्वेस्ट मत करो, रैदर स्पेंड और एसेंशियल सप्लीमेंट्स। एसेंशियल सप्लीमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। तो अब रिकमेंडेड ब्रांड्स की बात करते हैं। तो ओवर माई रिकमेंडेशन गेनर तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। और अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो डिफरेंट न्यूट्रिशन कंपनी अपना अपना वे प्रोटीन निकालती हैं। कोई 25 ग्राम एक स्कूप में देता है, कोई 30 ग्राम देता है, कोई 28 ग्राम देता है। तो बस वो देख लेना कि आप जितना पे कर रहे हो तो आपको कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक मिल रहा है। दूसरा, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स चेक कर लेना, कहीं आपको प्रोटीन के नाम पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो नहीं चिपकाया जा रहा, क्योंकि योर मनी इज़ वैल्यूएबल। एक और चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, वो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना। रैपिंग अप द वीडियो हियर ओनली, लाइक कमेंट शेयर फॉर मोटिवेशन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिलेटेड स्टफ, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल बी बैक विद न्यू वीडियोस रिलेटेड फिटनेस, tech grooming and vlog of course. Until then, stay tuned, stay fit and stay fashionable.